स्वागत है जी आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सरवन तड़का, स्वाद रिश्तों का। अजी मेरे लिए यही प्रेयर, ये प्रेयर जो है ना ये मुझे और आपको जोड़ के रखता है, और जोड़ के रखता है तो मेरे लिए तो आप भगवान हैं भाई, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप आते हैं मजा आता है मुझे, और यहाँ पे खाना बनाने की विधि शुरू, और विधि शुरू करने के पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो बढ़िया कच्ची घनी तेल है ना ये यूज कर लेते हैं, राई का तेल। हेलो जी, 2 चम्मच ये डाल दिया। अच्छा बना क्या रहा हूं मैं, बना रहा हूं सूखा छोलिया, और वो भी अचारी फ्लेवर। ये अचार भी ना बड़ी कमाल की चीज है, मैं यहाँ नींबू का अचार यूज कर रहा हूं, आप कोई भी अचार यूज करिए घर पे। क्या करना है सबसे पहले, ये लीजिए, ये कुछ चीजें मेरे पास है वो पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी कि राई का तेल गरम और उसमें हींग डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच। हेलो जी, 1 बड़ा चम्मच ये धनिया जो है, खड़ा धनिया, पता नहीं जी खड़ा कैसे है मुझे नहीं समझ में आया। ये लीजिए, ये अनारदाना डाल दिया, ओ तेरी तो, ये इसके पहले जले, ये लीजिए, और ये छोलिया, आ हा 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 क्या बात है। अब इसे छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए, तब तक ये जो अदकर है ना ये ले लेते हैं। थोड़ा सा अदकर ले लिया और ये इसमें डाल लिया। अब ये लीजिए, थोड़ा सा पकने देते हैं, क्योंकि छोलिया को ना मैंने क्या किया है, ये इसे उबाला है। हरा छोलिया ले लें, पानी गर्म करें, नमक डालें, थोड़ा सा सोडा डालें, और फिर छोलिया गर्म करें उसमें, मतलब अच्छी तरह से उबाल लें, क्योंकि ये हरा छोलिया ना फट से काला हो जाता है। ये लीजिए, अब इसमें धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, और जीरा पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। चाहे तो मसाला थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अचार है वो मैं डालूँगा। अब आमचूर पाउडर, और क्योंकि मैं अचार डालूँगा तो नमक शमक जो है ना वो करेंगे हम बाद में, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है आप लोग सब टेंशन में आ जाते हैं। अब ये सूखा मसाला डल गया, मज़ा आ गया। इसमें ये नींबू का अचार, ठीक है जी, और ये मसालेदार है, ये ओहो ये लीजिए, 2 बड़े चम्मच पकड़िए आप, ठीक है जी। अब इसमें मज़ा तो फुल आएगा जी। अब ये सिंपल जी रेसिपी है, मज़ेदार तैयार हो गई है। ये जो मसाला लगाना है ये सबसे इम्पोर्टेंट, आप खाते हैं वो मसाले को, मैं तो खाता हूँ, और मैं आपको बताऊं टेस्ट जो है ना इससे पता चलता है। अचारी है एकदम, कितना जबरदस्त है पूछिए, परोसेंगे भी बढ़िया बढ़िया बोल में। ये लीजिए, गैस बंद कर देते हैं, वैसे ही पाबंदी लगी 9 सिलेंडरों की है ना जी, तो इसलिए गैस बंद करना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे फ्लेवर पुदीने का कोने में डाल देते हैं जी। ये लीजिए, आहा, कुछ लाल मिर्च वगैरह हो घर पे वो गार्निश कर लीजिएगा। और ये इतनी मज़ेदार चीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप या तो इसको तो ऐसे ही खा सकते हैं एज अ स्नैक, जो डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं ना वैसे ही खा सकते हैं। वैसे अगर आप डाइटिशियन को बोलेंगे तो बोलेंगे ना मत खाइएगा क्योंकि इसमें अचार है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है ही नहीं, जितनी की ज़रूरत है उतना ही है। अब एक काम करिए, इंग्रेडिएंट नोट करें,
रिकैप ध्यान से देखें और अचारी छोलिया बनाइए। अचारी छोलिया, इसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें। इसमें हींग, खड़ा धनिया, जीरा और सूखा अनारदाना डालकर भूने। हरी मिर्चे तोड़कर पैन में डालें। उबले हुए चने डालकर मिला लें। अदरक बारीक काटकर पैन में डालकर 1 से 2 मिनट भून लें। इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर डालकर मिला लें। नींबू का अचार डालकर 1 से 2 मिनट तक भूने। सर्विंग बोल में निकालकर पुदीने के डंठल से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें।